नमस्कार, आज मैं आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफी के बारे में आपको कुछ टूल्स और टिप्स के बारे में बताऊंगी। आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफी एक बहुत ही डिफरेंट लाइन है फ़ोटोग्राफी की, जिसमें किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को हम अपनी शैलियों द्वारा मिनटों में 2D ऑब्जेक्ट में बहुत ही खूबसूरती के साथ बदल देते हैं। आज फोटोग्राफी प्रत्येक रचनात्मक व्यक्ति का साधन बन गई है, क्योंकि ये कला कौशल तथ्यों पर आधारित है। ये न केवल हमारे अनुभव से जुड़ा हुआ है, बल्कि प्रामाणिक भी है। ये प्रकाश और संरचना के बारे में बताता है। कैमरे व लेंस वास्तव में मूल्यवान होते हैं, और जो कौशल है वो इसके टूल किट में सेट होता है। स्थापत्य की अंतर्निहित शैली तत्वों में से एक है छवि में समानांतर लाइनों को बनाए रखना, और विशेष रूप से समानांतर ऊर्ध्वाधर लाइनों को। अर्थात आर्किटेक्चर बिल्डिंग को जब हम कैप्चर करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कैमरे की लाइंस जो हैं वो बिल्डिंग के लाइन के पैरेलल दिखे। कैमरा लेंस को झुकाकर और स्थानांतरित करके इस विकृति को काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। विशेष प्रकार के लेंस द्वारा भी ये ठीक किया जा सकता है, परंतु वो काफ़ी महंगे होते हैं। दूसरा संभावित तरीका जो आप कर सकते हैं, आप लाइट रूम, फोटोशॉप या स्नैपैड या अपने फ़ोन पर वर्टिकल ग्रिड जो होती है उससे इस विकृति को दूर कर सकते हैं। आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी को शुरू करने से पहले हमें उस इमारत का पूरा अनुसंधान कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो अपने इतिहास को बताती हैं। इसलिए जितना भी ज़रूरी है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हें पढ़ लें, ताकि जो हम स्टोरी को प्रेजेंट करना चाहते हैं वो हम अपने फ़ोटोग्राफ में लेकर आ सकें। दूसरा और महत्वपूर्ण कारक है कि उस बिल्डिंग में जो भी विवरण वास्तुकार ने दिए हैं, अर्थात बिल्डिंग के दरवाजे किस तरह के हैं, कैसे टेक्सचर का यूज़ किया है, बिल्डिंग की हाइट क्या है, आदि चीज़ों को ध्यान से देख लें और उसमें जो इम्पोर्टेंट हो उसको भी फ़ोटोग्राफ में लाने का प्रयास करना चाहिए। लाइट का फ़ोटोग्राफी में बहुत बड़ा रोल है, और आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। किसी भी बिल्डिंग को शूट करते वक्त हमें उसको कई बार साइट को विज़िट करना चाहिए। कई बार से मतलब दिन में जाकर देखें, दोपहर को देखें, रात को देखें, अलग अलग मौसम में उस बिल्डिंग को स्टडी करें, जिससे हमारी जो स्टोरी लाइन है, जिस बिल्डिंग से रिलेटेड इतिहास जिसको हम बताना चाह रहे हैं, वो किस प्रकार की रोशनी में बेहतर लगेगा उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। को एक प्रासंगिक कहानी या विचार पर केंद्रित करने के लिए हमें बिल्डिंग के डिफरेंट शॉट्स ले लेने चाहिए। प्रोसेसिंग टूल्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए, और आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रयोग हमें पूरी तरह से करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी फ़ोटोग्राफ में उस अद्वितीय कोण को ले सकते हैं जिससे कि वो एक यूनिक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट के रूप में फ़ोटोग्राफ में दिखेगा। सभी आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफी से रिलेटेड जो टिप्स हैं इनका एक चार्ट मैं अपने वीडियो के आखिर में सबमिट करूँगी, जिसको आप याददाश्त के तौर पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।